गोलकोंडा शहर पे हमला किया गया था जिसमें बहुत लोग मरे गए थे और वह भूत बनकर घूम रहे थे। एक लड़की बगीचा में खेल रही थी, उसने देखा कि लाश उसके पास आ रही है, वो डर गई और भागने लगी। लाश उसका पीछा कर रही थी। वो एक बिल्डिंग के पास पहुंची, जहां से उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ना था। उसे सीढ़ियों के कितने उड़ान पर चढ़ना होगा, सोचिए सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। एक फेमस पब में पार्टी थी। काल पार्टी के बीच में वॉशरूम में गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन जब वेटर वॉशरूम में गया तो देखा वहां पे काल का डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया और उसे बुलाया। मेहुल वहां पहुंचा और उसके दोस्तों से हत्या के बारे में पूछा। पहला बोला, मैं अपनी प्रेमिका के साथ पूरे समय डांस कर रहा था और उसके साथ घर चला गया। दूसरा बोला, मैं हत्या के पहले ही घर चला गया था, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। तीसरा बोला, सर मैं पूरी रात पब में था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इनमें से हत्यारा कौन है, सोचिए सोचिए डिटेक्टिव आर्मी। इसका सही जवाब होगा तीसरे ने, क्योंकि पब में ये पूरी रात था। रॉनी उठा और खुद को एक कमरे के अंदर बंद पाया, तभी उसने एक आवाज सुनी। मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया है, तुम्हारे बगल में रखा बम 4 मिनट्स में विस्फोट हो जाएगा। तुम्हारे सामने 3 दरवाजे दिए गए हैं, किसी एक को चुनो अपनी जान बचाने के लिए। पहले दरवाजे के पीछे एक जंगली भालू है जो रॉनी को जिंदा खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे आग है जो उसे जलाकर भस्म कर देगा। तीसरे दरवाजे के पीछे भूत है। रॉनी को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए डिटेक्टिव आर्मी। रिचेल हाल ही में एक डॉक्टर बनी थी। उसे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बुलाया गया था। वो अपने घर वालों को अलविदा कहकर लंदन के लिए रवाना हो गई। ट्रेनिंग से पहले वो अपने पुराने दोस्तों से मिली। सभी ने एक साथ बहुत सारे सेल्फी लिए। थोड़ी देर बाद सब लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए। कुछ समय बाद रोचेल को स्टोर रूम में मृत पाया गया। इस मामले को देखने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया। व्हाट? मैं बस आ रहा हूँ। मेहुल अपराध जगह पर पहुंचा और एक एक करके सबसे पूछने लगा। सभी लोग एक ही जवाब दे रहे थे कि वो सब ट्रेनिंग में थे और उन्हें कुछ नहीं पता है। उन्होंने ट्रेनिंग से पहले की खींची हुई तस्वीरें दिखाई। ट्रेनिंग से पहले और बाद की तस्वीरों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि खून किसने किया है? इनमें से हत्यारा कौन है, सोचिए सोचिए डिटेक्टिव आर्मी। सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए।